इन दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जहां भी जाते हैं वहां उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन का कोई न कोई कारण निकल ही आता है। लेकिन महेंद्रगढ़ में जिस विरोध का खट्टर साहब को सामना करना पड़ा वो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर महेंद्रगढ़ के 3 दिन के दौरे पर थे। पहला दिन शांतिपूर्ण ढंग से गुजर गया, दूसरा दिन भी ठीक ठाक जा ही रहा था, लेकिन शाम होते होते मुख्यमंत्री साहब ने एक घोषणा की। लेकिन ये घोषणा खट्टर साहब के लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। मुख्यमंत्री खट्टर ने सीमा गांव को उप तहसील बनाने की घोषणा की, लेकिन जैसे ही इसकी खबर दोगड़ा अहिर गांव के लोगों को लगी तो उनका गुस्सा फूट गया और वो रात में ही गांव की सड़कों पर उतर कर नारेबाजी करने लगे। लेकिन पहले आप खट्टर साहब की बात सुनिए जिसमें इतना बवाल हुआ। छोटी सी बात, वहाँ बहुत सी बातें चल रही थी तो मेरे मन में ये था कि आखिर में कोई अच्छी सी बात सुना के आगे बढ़ूंगा। वो अच्छी बात ये है कि आपकी सब तहसील जो है मंजूर कर दी। बस खट्टर साहब के बयान के बाद लोगों का गुस्सा फूटने लगा। आलम तो ये था कि अपने दूसरे दिन के कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री खट्टर साहब को दोगड़ा अहिर में ही रात गुजारने वाले थे, जिसके लिए गांव वालों ने उनके स्वागत की जोरों शोरों से तैयारियां भी कर रखी थी। लेकिन खट्टर साहब के इस घोषणा की भनक जैसे ही इन तक पहुंची, ग्रामीणों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद ग्रामीण बीजेपी के मंडल प्रधान मामन सिंह के आवास पर इकट्ठा हुए और वहां लोगों को मनाने आए स्थानीय विधायक सीताराम के सामने भी अपना विरोध करने लगे, जिसके बाद सुबह होते ही ग्रामीणों ने उस घर का भी घेराव किया जिस घर में मुख्यमंत्री रुके हुए थे। लगभग 2 से 4 घंटे तक ग्रामीणों ने सीएम खट्टर साहब को घर से निकलने ही नहीं दिया और वहां बैठकर जमकर नारेबाजी की। तक हमारी मांग नहीं मानी जाती, हम रोड से नहीं हटेंगे और नहीं जाने देंगे। सीएम को नहीं जाने दो? नहीं जी। एक तरह से एक कर दिया आपने? देखो, गांव में जो रोष है उनकी मांग नहीं मानी गई। अगर ये सबसे उचित मांग है, यहाँ केंद्र है, इसकी सरकार भी मानती है। 2016 में खट्टर साहब ने आश्वासन भी दिया था कि आपकी ये मांग मानी जाएगी, उसके बावजूद नहीं मानी जा रही ये मांग। ये हमारी मांग है दोगड़ा अहिर को तहसील बनाने की, और वो जो सीएम साहब हमारे उस सीमा को दिया है 2013 में हमारे यहाँ वादा करके गए थे सीएम साहब कि हम उप तहसील दोगड़ा अहिर को बनाएंगे, और ये दोगड़ा अहिर गांव है जो 20-25 गांव में सबसे अव्वल गांव है। और खट्टर साहब 16 फरवरी 2020 को जिला स्तरीय प्रगति रैली दोंगड़ा के स्टेडियम में की और वादा करके गए जनता को संतुष्ट करके, और आज नॉर्म्स के बिना, नियमों के बिना सीमा में घोषणा कर दी और हमारा गला काट दिया। इतनी पुरानी मांग और 40 गांव की मांग, हम इसका विरोध करते हैं। हमने ये भी कहा था, लिखा था मांग पत्र में, हमारे साथ दोंगड़ा के साथ राजनीतिक भेदभाव होता आ रहा है, इसको आप मिटाएंगे, न्याय करेंगे। आप न्याय प्रिय मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इन्होंने तो 1000 गुना राजनीतिक भेदभाव को बढ़ा दिया और इस सरकार को आगे नहीं आने देंगे, सरकार को नहीं बनने देंगे। बीजेपी के हमारे पदाधिकारी भी साथ, सारा गांव एक है, आदमी औरत बच्चा। इस विरोध को देखते हुए विधायक सीताराम लोगों को मनाने बाहर आए, लेकिन ग्रामीण अपनी बातों पर अड़े रहे। इस बीच विधायक और ग्रामीणों के बीच कहासुनी भी हो गई, तो बीच बचाव करने के लिए पुलिस को आना पड़ा। विधायक जी को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा, जिसके बाद मनोहर लाल खट्टर ने ग्रामीणों को बातचीत करने के लिए अंदर बुलाया, जिसके बाद कुछ देर तक ग्रामीणों की खट्टर साहब के साथ बातचीत हुई। बातचीत के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद बाहर निकले और उन्होंने गांव के उप तहसील बनाने का ठीकरा अधिकारियों पर ही फोड़ दिया। इस गांव की या इस इलाके की मांगों के बारे में एक मांग पत्र आपके यहाँ की प्रमुख लोग 11 लोगों की कमेटी थी, उन्होंने मांग पत्र मुझे दिया है और उसमें जो मुख्य मांग है वो यहाँ सब तहसील बनाने की एक मुख्य मांग है। तो वो मुख्य मांग तहसील की थी। ये बात ठीक है कि जहाँ मुझे जाना होता है हमारे अधिकारी रिपोर्ट वहीं की बना के देते हैं, क्योंकि इस विधानसभा के कार्यक्रम मेरे और 1 महीने बाद होने वाले हैं, तो शायद उस समय यहाँ की रिपोर्ट वो मुझे देते, लेकिन यहाँ की कोई रिपोर्ट मेरे पास पहले नहीं थी, सीमा की रिपोर्ट मेरे पास थी। अरे सुनो सुनो, ये ठीक है आपके विधायक ने बात उठाई है, विधानसभा में उठी है, लेकिन
लेकिन आने से पहले आने से पहले मुझे जो उसी समय रिपोर्ट मिलती है वो जहां मैं जाता हूं वहां की देते हैं, क्योंकि सारी चीजें मैं तो एक साथ ध्यान नहीं रख सकता। अब यहां चूंकि अगले महीने का प्रोग्राम बनता तो मुझे वो रिपोर्ट जरूर मिल जाती। अब आज चूंकि आपकी रिपोर्ट मिली नहीं थी, जब आपके यहाँ के 11 मेंबरी कमेटी ने मेरे सामने बात रखी है तो मैंने इनको बता दिया है कि अब वहाँ हमारे एक कमेटी बनेगी 3 लोगों की, जिसमें अधिकारी होंगे, मंत्री होंगे, और जो भी चीज सीमा में की है वही चीज यहाँ भी एक साथ दोनों का विचार करेंगे और विचार करके जो भी संभव होगा उसको जरूर करेंगे। अगले महीने मैं आऊंगा और उसका सारा खुलासा यहाँ आकर के करूंगा कि उसको कैसे हमने पूरा करना है, चाहे वो दोनों जगह करेंगे, उसका खुलासा आपको एक महीने बाद जरूर मैं आऊंगा इस विधानसभा में आके करूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस गांव के, इस इलाके की जितने भी काम हैं उन पर पूरा तशद्दुद से काम करके और आपको आके बताएंगे, कोई काम छोड़ेंगे नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उप तहसील का विचार जरूर करके अगले महीने आके उसकी घोषणा करेंगे। मनोहर लाल खट्टर ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करवाने का हवाला देते हुए अधिकारियों पर ठीकड़ा फोड़ दिया और अगले महीने आकर दोगड़ा अहीर गांव को उप तहसील बनाने को लेकर ऐलान करने का आश्वासन लोगों को दे दिया। लेकिन असल मायनों में देखें तो खट्टर साहब अब अपने बयान से पीछे हट गए हैं और सीमा को उप तहसील का दर्जा देने की घोषणा करके चित भी मेरी और पट भी मेरे वाला खट्टर साहब गाँव फेल हो गया है और उन्हें दोगड़ा अहीर को ग्रामीणों के सामने झुकना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़।